इस समय एक तो जो ध्यान देने वाली बात है खीरे में जो साइड ब्रांचेज हैं, जो नीचे का 30 सेंटीमीटर है वो सिंगल रखते हैं हम, उसके बाद जितनी भी साइड ब्रांचेज आती हैं उन पे दो खीरे तीन खीरे रख के और उस साइड ब्रांच को आगे से काट देते हैं ताकि नीचे जो इसकी बेल है ज़्यादा न फैले, क्योंकि हमने जो खीरे का प्लांट है ऊपर भी लेके जाना है। जो हमारा मकसद है वर्टिकल कल्टीवेशन का, खड़ी खेती का, अगर जो हम पौधे को ऊपर लेके नहीं गए, नीचे ही रह जाता है, नीचे ही फैल जाता है, तो वो हमारा वो फेल हो जाता है, वो वर्टिकल कल्टीवेशन नहीं रही, और प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों में फ़र्क रहेगा, काफ़ी डाउन आएगी। तो इसलिए जो साइड ब्रांचेज हैं वो 1.25 मीटर 1.5 मीटर तक मैक्सिमम साइड ब्रांचेज आती हैं, उसके बाद पौधा अपने आप ही सिंगल स्टेम चलता है। तो नीचे हर शाखा पे जो साइड ब्रांच है उस पे दो या तीन खीरे रख के और बाकी का हमने आगे से काट देना है ताकि पौधा ऊपर भी चलता रहे। तो एक तो ये हमने ऑपरेशन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रदेश के कुछ किसान भाई अधिक आय कमाने के लिए पॉलीहाउस शेड नेट में खीरा की खेती करते हैं। उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी अच्छी बढ़वार के साथ अधिक उपज के लिए खीरे में अवांछित शाखाओं की कटाई छटाई के साथ उचित आकार देना बेहद जरूरी होता है। किसान भाइयों, खीरा की फसल से अधिक उपज तभी मिलेगी जब इसकी अच्छी बढ़वार होगी। तो इसके लिए किसान कौन सा पोषक तत्व ले और कितनी मात्रा में कब कब प्रयोग करे, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। खाद इसमें हम NPK 19:19 सप्ताह में 2 बार, और जैसे शुरुआत में, उसके बाद हम बदल देते हैं 13:0:46 है, इसमें 13 नाइट्रोजन है और 46 पोटास है, तो आप ये भी डाल सकते हैं। बाकी कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, 500 500 ग्राम दोनों, ये 15 दिन में एक बार, यानी 15 दिन में एक बार देना है इसको। ये प्रति एकड़ के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेना है, आपका स्ट्रक्चर किस साइज़ का है उसी हिसाब से कैलकुलेट करके और आप उसको निकाल सकते हैं भी कितना देना है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए वही 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, मल्टीप्लेक्स के नाम से भी आता है और भी कई नाम से आता है, तो उसका स्प्रे आप 15 दिन में एक बार अवश्य करें। आज के समय में कोई भी फसल कीट बीमारी के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में जो किसान भाई कीट रोगों की सही पहचान करके समय पर नियंत्रण कर लेते हैं उन्हें अच्छी पैदावार मिलती है। तो खीरा की फसल में कौन कौन से कीट व्याधियों का प्रकोप होता है और इनसे फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाना जरूरी है, इस बारे में जानते हैं। दूसरे इसमें जैसे आपने बीमारी और जो कीट पतंगे हैं जो जिनका प्रकोप मेन होता है, तो खीरे में माइट है, जैसे रेड माइट, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इनकी दिक्कत आती है, सकिंग पेस्ट है, तो उनके लिए जो सकिंग पेस्ट है मेनली उनके लिए वही अमीडा क्लोप्रिड और एसीटामिप्रिड। अमीडा का आप प्रिवेंटिव करते रहें और एसीटामिप्रिड का, जैसे अगर जो वाइट फ्लाई या कोई भी सकिंग पेस्ट जैसे आया है तो उसका उस समय स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों को यही सलाह है कि खीरे की अच्छी खेती है, बढ़िया पैदावार देती है, साल में आप पे खासकर नेट हाउसेज में 3 फसल आप ले सकते हैं, पॉली हाउसेज में भी आप 2 फसल तो बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसका सारा ड्यूरेशन ही 90 100 दिन का है, और एक पौधे से जो पैदावार है 3 और 4 के बीच में तो आम रहती ही है, लेकिन कोई अच्छी वैरायटी है, जैसे पीछे हमने एक इजरायली वैरायटी लगाई थी 5711 के नाम से, और अब एक बैरिकेट के नाम से आई है इनकी वैरायटी, बहुत ही अच्छी पैदावार, वो 5 किलो तक भी दे रही है, 5 से ऊपर भी दे रही है, तो इस तरह की वैरायटी आप लगाइए और बहुत फ़ायदा है इसमें खीरे की फसल में।